देखिए, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। राजनीति कब किस करवट बैठेगी कोई नहीं जानता। देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने गच्चा दे दिया है। एनसीपी को दो फाड़कर अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होकर फिर से डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। अजीत पवार के पावर गेम पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। चाचा ने तो सिर्फ रोटी पलटने का ऐलान किया था, लेकिन भतीजे ने एनसीपी का तवा ही पलट दिया। पावर गेम के 90 मिनट वाले सेकंड राउंड में अजीत पवार ने एक छलांग लगाई और विपक्ष से सत्ता पक्ष में पहुंचकर डिप्टी सीएम बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बदलाव कितना बड़ा है, इन तस्वीरों से समझिए। ये वही बारामती है जिसे शरद पवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ अजीत पवार के समर्थन में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बहरहाल, चचा को छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के साथ सरकार में शामिल होने का फैसला जस्टिफाई करने के लिए अजीत पवार खुद सामने आए, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ की और लगे हाथ पार्टी पर दावा ठोकने का डंका भी पीट दिया। अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। हम आपको अजीत पवार की इस कॉन्फिडेंस की वजह बताएंगे, एनसीपी के नंबर गेम में उनकी ताकत भी समझाएंगे, लेकिन पहले बात सियासत के सरप्राइज वाले सुपर संडे की, महाराष्ट्र का पावर गेम बदलने वाली स्टोरी का। पहला पन्ना दोपहर 1:30 बजे खुला, खबर आई कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अटकलों का दौर रफ्तार पकड़े, उससे पहले ही पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। दोपहर के 2:00 बजते राजभवन तैयार हो चुका था, मंच सज चुका था और अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच चुके थे। राजभवन में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया और मंत्री पद के लिए बारी बारी से शपथ का सिलसिला शुरू हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए और छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रिफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव आत्राम, अदिति तटकरे और संजय बंसोड़े के अलावा अनिल पाटिल मंत्री बना दिए गए। इनमें से छगन भुजबल 32 साल से शरद पवार के भरोसेमंद थे और दिलीप वलसे पाटिल की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब एनसीपी अध्यक्ष पद से पवार के इस्तीफे की बात पर वो फूट फूट कर रोए थे। लेकिन अब वो महाराष्ट्र में महा अघाड़ी की सबसे मजबूत पार्टी की गाड़ी पलटने वाले अजीत पवार के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं। इससे भड़के पवार सीनियर भतीजे को बागी बता रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को फिर से मजबूत बनाने का दावा भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे, लेकिन मैंने संख्या बल मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वे अपने ही निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए। लेकिन बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत के सबसे सनसनीखेज एपिसोड को एंजॉय भी कर रही है और हालात के लिए पवार सीनियर को ही जिम्मेदार भी ठहरा रही है। अजीत दादा एक विकासोन्मुख काम करने वाला एक नेता है, इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइड लाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। पटना में जो लोग इकट्ठे हुए थे उस इकट्ठे होने के बाद महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट आ गया है। पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और देश को महान बनाने के लिए सबका प्रयास, तो अभी तो ये शुरुआत है। पांचवी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने
22-23 नवंबर 2019 की आधी रात वाली बगावत के बाद भी यही ओहदा संभाला था, लेकिन तब उन्हें चाचा के चरणों में लौटना पड़ा था। लेकिन इस बार पवार जूनियर ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ये बात उनके लिए ट्विटर प्रोफाइल में भी झलक रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।